Hey guys, hope you are staying safe and welcome back to our channel. आज हम आए हैं कैलिस्थेनिक जिम में जो कि है विकासपुरी एच ब्लॉक में. जिम का नाम है स्किल एडॉप्शन एंड ये हमारे भैया का ही जिम है, आलोक भैया का. सो आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बनाने वाले हैं वो टॉपिक 10 साल से लेकर 40 साल तक के लोगों के लिए, सबके लिए हेल्पफुल है. आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जिन लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है और जिनके बैक में पेन रहता है तो वो कैसे इस पेन को रिड्यूस कर सकते हैं. तो अब चलते हैं भैया के पास. भैया हमें बताएंगे कि आज हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करने वाले हैं. सो गाइस, आज मैं आपको सर्वाइकल की कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगा जो सर्वाइकल को हेल्प करेगा इम्प्रूव करने में, और साथ ही आपके पॉस्चर को इम्प्रूव करेगा. और साथ ही अगर आप लंबे समय से इंजरी से सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि एथलीट बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो रहे हैं और लैक ऑफ नॉलेज के कारण वो अपने आप को प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, तो वो सारी चीज़ें आज मैं बताने वाला हूँ. तो आपको अगर लोअर बैक से भी अगर सर्वाइव कर रहे हैं तो लोअर बैक पेन के लिए भी वो ठीक होगा. आपकी ऑल ओवर बॉडी की रेंज ऑफ मोशन को बिल्डअप करने के साथ साथ आपकी, अगर आप एथलीट है तो आपकी गेम को प्रोग्रेस करेगा, या आपकी बॉडी में ज़्यादा स्टिफनेस है तो वो भी आपके स्टिफनेस को रिड्यूस करने में काफ़ी हेल्प करेगा. एंड नॉर्मल लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहेगी क्योंकि इस प्रॉब्लम से बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं. सबसे पहले मैं आपको सर्वाइकल के बारे में बताऊंगा, सर्वाइकल क्यों होती है. सर्वाइकल एक अपर क्रॉस सिंड्रोम होती है. अपर क्रॉस सिंड्रोम क्या होता है, इसमें आपकी नेक मसल स्टिफ हो जाती है और आपके चेस्ट मसल स्टिफ हो जाते हैं. तो सबसे पहले नेक मसल जब स्टिफ हो जाती है तो उसकी आपको रेंज ऑफ मोशन, उसकी स्ट्रेचिंग करनी पड़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी करनी पड़ती है, और साथ ही आपकी जो थोरेसिक है उसकी मोबिलिटी करनी होती है और पोस्टीरियर चेन को इम्प्रूव करना होता है. तो अभी सो गाइस, आज हम अभी जो करने वाले हैं वो थोरेसिक की मोबिलिटी है, जो आपकी थोरेसिक की स्टिफनेस को हेल्प करेगा इम्प्रूव करने में. और साथ ही आप में अगर थोरेसिक में कोई इंजरी है या आपके डीप मसल ओवर स्ट्रेच हो गए हैं तो उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करें. तो गाइज, अभी मैं थोरेसिक की मोबिलिटी और साथ ही आपको लोअर बैक की मोबिलिटी बताने वाला हूँ, जो आपके पेन को रिड्यूस करने के साथ साथ आपके पॉस्चर को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करेगा. नेक्स्ट एक्सरसाइज अभी जो हम कर रहे हैं उसे बोलते हैं ओपन बुक स्ट्रेच. तो गाइज, उसे कैसे करना है, सबसे पहले आपको ले डाउन पोजीशन में लेटना है, ऐसे करके सेम इस पोजीशन में लेटना है. आपके नीज फोल्ड होनी चाहिए, 90 डिग्री पोजीशन होनी चाहिए लेग्स की. उसके बाद आपको दोनों हाथ ऐसे रखने हैं और फिंगर से रोटेशन करते हुए सर्कल बनाना है, हाफ सर्कल बनाना है. तो आज मैं आपको पोस्चर के बारे में बताने वाला हूँ, पोस्चर प्रॉब्लम क्या होती है. तो इसके कारण जो बेसिकली क्यों होता है वो मैं बता रहा हूँ. आपका सिटिंग पोजीशन गलत होना, आप बॉडी को आगे की तरफ कर्व करके बैठ रहे हैं, या फिर आप पीसी पे काम कर रहे हैं, या आप गलत पोजीशन में कार ड्राइव कर रहे हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं, या छोटे बच्चों को भारी बैग दे दिया जाता है टांग के वो स्कूल जाते हैं, तो बहुत सारे कारण हैं. और इसी चीज़ को ठीक करने के लिए आज मैं आपको सबसे पहले ये बता रहा हूँ कि पोस्चर में कौन कौन सी कैटेगरी होती है. इसमें तीन कैटेगरी होती है. फर्स्ट जो होता है वो है आपका अपर क्रॉस सिंड्रोम, सेकंड होता है लोअर क्रॉस सिंड्रोम, और थर्ड होता है प्रोनेशन. ये तीन होती है. जो अपर क्रॉस सिंड्रोम है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि हैंच नेक आगे होना, राउंड शोल्डर होना, काइफोसिस होना, ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं अपर क्रॉस सिंड्रोम में. और जो लोअर क्रॉस सिंड्रोम है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम क्या होती है, इंटीरियर पेल्विक टिल्ड होना, पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ड होना, और इसको लो बैक या स्वे बैक भी बोलते हैं. और प्रोनेशन क्या होता है कि आपका नी आपस में कोलैब होता है, इस तरह से नी कोलैब होना, ये प्रॉब्लम्स होती है बहुत सारी. तो अभी मैंने आपको सर्वाइकल के बारे में कुछ बताया है, मतलब आपका पोस्टीरियर चैन जितना अच्छा होगा, शोल्डर ब्लेड जितना अच्छा होगा, आपको सर्वाइकल होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होंगे. तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे लोअर बैक पे, कि लोअर बैक में अगर आपको इंजरी है, पेन है, या आपको APT है या PPT है, तो उसको कैसे सुधारते हैं. APT और PPT का मतलब ये होता है इंटीरियर पेल्विक टिल्ट और पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट. तो चलिए गाइज, अभी लोअर बैक के ऊपर काम करते हैं, कैसे उसे इम्प्रूव करते हैं, उसको कैसे स्ट्रेंथन करते हैं.
तो गाइज लोअर बैक होता क्यों, लोअर बैक पेन होता क्यों है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। लोअर बैक पेन इसलिए होता है, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपका, इसको लोअर क्रॉस सिंड्रोम कहने का रीज़न ये है कि ये एक क्रॉस मूवमेंट में होता है कि आपकी एक तरफ की मसल टाइट हो जाती है और एक तरफ की मसल वीक हो जाती है। जैसे क्या होता है कि आपके कोर वीक हो जाते हैं और ग्लूट्स आपका वीक हो जाता है, ठीक है, और इसके साथ हिप फ्लेक्सर टाइट हो जाता है और आपकी इरेक्टर स्पाइन टाइट हो जाती है। तो इसी कारण से ये लोअर बैक पेन होता है। और इसको ठीक करने की मैं कुछ स्ट्रेंथन एक्सरसाइजेस बताऊंगा और कुछ स्ट्रेचेस बताऊंगा। तो सबसे पहले आपका कोर को ट्रेन करना है, रूट्स को ट्रेन करना है और साथ इसके कुछ स्ट्रेचेस करने होते हैं जिससे कि आप लोअर बैक पेन से रिलीफ पाएंगे जल्द से जल्द। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अभी जो हम करने वाले हैं वो एक हॉलो बॉडी प्रोग्रेशन एक्सरसाइज है। तो उसमें करना कैसे होता है वो समझने वाली बात है। सबसे पहले आप लेट जाएं, लेटने के बाद आपको क्या करना, पोस्टीरियर पेल्विक फील करना है, कोर एंगेज करना है और आपके ग्लूट्स एयर में उठ जाने चाहिए हल्के से जमीन से। उठाना नहीं, आप जब पीपीटी पोजीशन लेंगे तो आपके हिप्स फ्लोर से ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। इसके बाद आपको लेग्स को अप करना है, पैर हवा में करना है, फिर आपको हल्का सा नेक ऐसे ऊपर करना है, चिन तक नहीं करना, ये ध्यान रखना है, और हाथ यहाँ करके इस पोजिशन में आपको 30 सेकेंड होल्ड होना है और इसके कम से कम 4 सेट्स करना है। बट वॉक, तो उसे कैसे करना है, आप प्लेट का यूज़ कर सकते हैं या कैटल बेल का यूज़ कर सकते हैं या वेट का भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास कोई भी ऐसा इक्विपमेंट है जो वेटेड है उस चीज़ का यूज़ करके आप इसे कर सकते हैं ना। आपको कर्व में नहीं बैठना, ना ही आपको आर्च करके बैठना है, आपकी स्पाइन न्यूट्रल होनी चाहिए और उसके साथ आपको रैप करना है और साथ ही आपको बैक स्ट्रेट रख के आई कॉन्टैक्ट सामने करते विदाउट नीज बेंड करे बट वॉक करना है, बहुत कंट्रोल से करना है इसे। ये आपके लंबर स्पाइन को मूव करता है। तो अभी जो फाइनली मैं एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ वो है ग्लूट सिंगल लेग ब्रिज। ये आपके ग्लूट्स की स्ट्रेंथ को बिल्ड करता है। उसे करते कैसे है वो देखते हैं। सिंगल लेग ग्लूट ब्रिज करना, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको, लोअर बैक से रिलीफ मिलेगा और आपको अगर पोस्चर प्रॉब्लम है जैसे पोस्टीरियर पेल्विक फिन या इंटीरियर पेल्विक फिन तो वो भी आपकी ठीक होगी। तो गाइस साथ ही अभी अगर आप इंजर्ड भी हैं तो उसमें भी हेल्प करेगी। अभी नेक्स्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सारी की सारी स्ट्रेचेस है, थोड़े से मोबिलिटी है और जो लोअर बैक के लिए बहुत ही इफेक्टिव होते हैं।
काफ़ी सारी चीज़ें डालते हैं, उनका कंटेंट ऐसा है। तो भैया आप बताएं अपने कंटेंट किस टाइप का होता है। तो गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, स्किलेड ऑप्शन नाम से है। अगर आप किसी भी इंजरी से सर्वाइव कर रहे हैं तो उसके बारे में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसके बारे में वीडियो बनाता हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर बॉडी की चेंजेस या बॉडी के पर्टिकुलर आइसोलेशन एक्सरसाइजेस एक एक पार्ट को कैसे ट्रेन करते हैं वो सीरीज भी मैं बना रहा हूँ, तो आप जाके चैनल को चेक कर सकते हैं। अगर आप नए हैं, आपको कैलिस्थेनिक सीखना है, आप दिल्ली से हैं या कहीं से भी हैं, तो हमारा सेंटर यहाँ पे है, आप देख सकते हैं सेंटर। तो आप यहाँ पे आके कैलिस्थेनिक के लिए ट्रेंड हो सकते हैं, कैलिस्थेनिक अपनी बॉडी अवेयरनेस, और साथ ही आप जिमनास्टिक भी कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। सो गाइज अब आपको जो भैया के चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। भगवान।